हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई टाइम स्ट्रक्चर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पर्सनली मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी मैसेज कर रहे हैं कि आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग डेट है वो कब तक आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, लास्ट वीडियो में आप सभी को पता होगा कि मैंने जो है आपको बताया था कि मे बी चांसेस हैं जून फर्स्ट वीक में लिस्ट आने के या सेकंड वीक में लिस्ट आने के। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब वो वीडियो मैंने अपलोड करी हुई थी तो उस टाइम ड्यूरेशन में लेखपाल का जो नोटिस है डेट एक्सटेंड करने का और सप्लाई इंस्पेक्टर का जो नोटिस था डेट एक्सटेंड करने का वो रिलीज़ नहीं हुआ था। तब उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको डेट दी थी वो थी 1 जून से 2 जून के बीच में, मे बी 15 तारीख तक के आसपास आपकी जो लिस्ट है वो आनी चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम देखिए कहाँ क्रिएट हुई, प्रॉब्लम क्रिएट हुई नोटिस आने के बाद से, क्योंकि जब नोटिस आया तो जो आपकी डेट थी अभी तक जो यूपीआई टेन इंस्ट्रक्टर की शॉर्ट लिस्ट होनी चाहिए थी वो आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की जो क्वेरी है कि शॉर्ट लिस्ट डेट कब तक आएगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी आने वाले इन दिनों में, इस हफ्ते में जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग डेट है वो आ सकती है। मानकर चलिए कि 15 जून से लेकर 25 जून के बीच में जो आपकी डेट है शॉर्ट लिस्टिंग डेट वो आ सकती है। आ सकती नहीं, आ जानी चाहिए, क्योंकि देखिए फिर आयोग को काफ़ी इसमें अदर काम भी करने हैं, जैसे कि आपका जो फॉर्म फी है आयोग को वो सबमिट करानी है। फॉर्म फी सबमिट कराने के बाद आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ करना है। तो आप ये पॉसिबिलिटी मान के चलिए कि देखिए आपका 17 तारीख में जैसे एग्ज़ाम है, 17 जुलाई में, तो 7 दिन या 10 दिन पहले UPSSC जो है आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ करती है। तो यानी कि 10 जुलाई तक आपके जो है एडमिट कार्ड आपको रिफ्लेक्ट करने चाहिए, या उसके पहले भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मे बी 7 से 8 जुलाई तक। तो अगर अभी चांसेस यही बन रहे हैं कि जैसे कि अगर आयोग को आपसे फ़ी कलेक्ट भी करनी है जो कि मेंस के एग्ज़ाम के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 200 रुपये आयोग जो फीस कलेक्ट करेगा उसके लिए भी उन्हें एक पर्टिकुलर डेट मेंशन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए उन्हें जो है शॉर्ट लिस्टिंग डेट है आपकी 15 से लेकर 25 तारीख तक हो सकता है आ जाए, और आपको जो डेट दी जाएगी, टाइम दिया जाएगा, वो होंगे मैक्सिमम 10 से 15 दिन, यानी 2 हफ्तों का समय आपको फ़ी पेमेंट करने के लिए दिया जाएगा। तो पॉसिबिलिटी यही है कि आपकी जो डेट है वो 15 जून से लेकर 25 जून के बीच में जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है वो आ सकती है। और देखिए, अगर मैं बात करूँ शॉर्ट लिस्टिंग की, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसमें मौका दिया जाएगा, क्योंकि पैट के थ्रू ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसीलिए प्रेफरेंस जो है वो पैट को दिया जाएगा और 15 गुने कैंडिडेट्स इसमें बुलाए जाएंगे। आयोग भी यही चाहता है कि उनके पास जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कलेक्ट हो। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, सभी को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको जो है CTI के मार्क्स के अकॉर्डिंग 5 गुने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, और उन्हीं कैंडिडेट्स को पोर्टल के लिए, पोर्टल उनके लिए ओपन किया जाएगा ताकि वो जो फ़ी पेमेंट है उस फॉर्म की वो कर सकें। इसके बाद ही आपकी जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जाएंगे और 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे हिसाब से 15 से 25 तारीख के बीच में अगर आपकी डेट एक्सटेंड भी होती है तो इसी ड्यूरेशन में डेट एक्सटेंड का नोटिस भी आना चाहिए, साथ ही साथ सप्लाई इंस्पेक्टर के भी आपके जो है फॉर्म फ़ी के लिए पोर्टल द्वारा ऑन होगा, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम 17 जुलाई को ही डिसाइड किया गया है। तो
अब देखना यही है कि आखिरकार आने वाले जो 2 वीक हैं उनमें क्या होता है। मानकर यही चलिए और मैं भी आशा यही करता हूँ कि जो है आपका इस हफ्ते में शॉर्ट लिस्टिंग डेट या कोई नोटिस यूपीआई टेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है रिलीज होना चाहिए। आई होप ये जानकारी आप सभी को समझ आई होगी और आपकी जो क्वेरी थी वो भी लगभग सॉर्ट आउट हो चुकी होगी। जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जो भी यूपीआई टेंस स्ट्रक्चर की तैयारी कर रहे हैं मैंने काफ़ी सारा सिलेबस काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स भी आपको करा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन प्रैक्टिस सेट्स को अपने उस सिलेबस को भी कवर अप कर सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, गुड डे।